सर्कुलर ऑर्डरिंग। सर्कुलर ऑर्डरिंग में इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपने एक सर्कल में अरेंजमेंट करनी होती है लोगों की। इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि सर्कुलर डायग्राम फिक्स नहीं होती, इसमें एक सर्कल बनता है इसलिए इसका स्टार्ट और एंड मेंशन नहीं होता, इसीलिए इसमें फर्स्ट सेकंड और लास्ट पोजीशंस वगैरह डिफाइन करना मुश्किल होता है या बाज़ औक़ात की नहीं जाती। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले किसी एक जगह पर हम स्टार्टिंग पॉइंट लगाते हैं और वहाँ पर कोई एंटिटी प्लेस करके फिर बाकी क्वेश्चंस की एंटिटीज उसके लिहाज से प्लेस की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, इफ इट इज गिवन दैट ए इज नेक्स्ट टू बी एंड इट इज नॉट स्पेसिफाइड वेदर ए इज टू द लेफ्ट और राइट ऑफ बी। नॉर्मली हम ए नेक्स्ट बी का मतलब लेते हैं ए बी या बी ए, यानी कि नेक्स्ट ए इज नेक्स्ट टू बी, जैसे कि दूसरे लेक्चर्स में ये डिस्कशन हो चुकी है, का मीनिंग होते हैं ए बी और बी ए। लेकिन सर्कुलर ऑर्डरिंग में ये दूसरी तरह से प्लेस हो जाएगा, जैसे कि ए बी ये पहली डायग्राम के अंदर ए नेक्स्ट टू बी हमने इधर रख दिया। हम इधर रख कर भी क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि सर्कुलर ऑर्डरिंग में क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बी को इधर रखेंगे तो सारा क्वेश्चन इस लिहाज से चल पड़ेगा, अगर आप इधर रखना शुरू कर दें तो इस लिहाज से चलेगा, यानी कि वन और टू में कोई डिफरेंस पैदा नहीं होगा। इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अमूमन कोई एक मेथड अडॉप्ट किया जाता है, या तो आप उसे क्लॉक वाइज करें या एंटी क्लॉक वाइज, लेकिन दरमियान में चेंज नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चन एक ही डायरेक्शन में सॉल्व होगा। सेकंड ये कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो ये स्पोक्स यानी कि एक लाइन जो क्रॉस कर रही है स्पोक्स ड्रॉ कर लें, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होती है। अगर आपको एट एंटिटीज प्लेस करनी है यानी कि एट पर्सन है जिनको अरेंज करना है, तो आपको फोर लाइन्स लगानी होंगी जो कि क्रॉस कर रही होंगी, क्योंकि हर लाइन के दो एंड होते हैं और हर एंड पर एक पर्सन आएगा। तो अगर आप फोर लाइंस लगा लेते हैं तो इसका मतलब है एट पर्सन को प्लेस किया जा सकेगा। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अमूमन इवन नंबर में पीपल दिए जाते हैं, यानी कि आप उसे दो से डिवाइड करके उतने नंबर ऑफ स्पोक्स सर्कल के बीच में लगा सकते हैं। स्ट्रेटजीज यानी कि आप क्वेश्चन को कैसे और किस मेथड से सॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्डरिंग में। ए ऑलवेज प्लेस एलिमेंट हूज पोजिशन आर फिक्स्ड रिलेटिव टू वन अनदर, यानी कि पहले सबसे पहले वो एलिमेंट प्लेस किए जाएंगे जिनकी पोजिशन एक दूसरे के रिलेटिव है और वो दी गई है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज डायरेक्टली अपोजिट बी देन ए एंड बी फॉर्म ए बेस। जैसे कि ये आपने एक स्पोक लगाया और ए और बी को उसने प्लेस कर दिया, ये अब आपकी बेस बन जाएगी क्योंकि बाकी एलिमेंट्स बस इनके लिहाज से आप देखेंगे कि ए के बाद किसने आना है, बी के बाद किसने आना है और दरमियान में किसने आना है, वो बाद में प्लेस होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि कोई भी रिलेटिव एंटिटीज को एंटर कर। इसी तरह से द एलिमेंट कैन बी इमीडिएट नेक्स्ट टू ईच अदर दिस फॉर्म ए बेस ग्रुप। अगर कहा जाए कि बी इज इमीडिएटली बिटवीन ए एंड सी, तो देखें कि ए और सी के दरमियान आपने बी को प्लेस कर दिया, अब ये ए बी सी की प्लेसमेंट हमारी बेस बन जाएगी और बाकी क्वेश्चन फिर इसके लिहाज से सॉल्व होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सिक्स पीपल ए बी सी डी ई एंड एफ आर सीटेड इवनली स्पेस्ड अराउंड ए सर्कुलर टेबल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन। एलिस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू कैरल, बॉब सिट्स नेक्स्ट टू कैरल और डेव, फ्रैंक यानी कि एफ सिट नेक्स्ट टू डी, इफ ई सिट्स नेक्स्ट टू एफ देन शी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू कैरल। अब हम इन कंडीशंस को बारी बारी एनालाइज भी करते हैं। इसमें पहली कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्रैंक सिट नेक्स्ट टू डेव, ताकि हम इसको बेस बना सकेंगे, यानी कि पहली कंडीशन ये होगी कि एफ और डी इस तरह से आएंगे। सेकेंड मोस्ट कंक्रीट कंडीशन, बॉब सिट नेक्स्ट टू कैरल और डेव।
सर्कुलर ऑर्डरिंग को समझने के लिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें 6 लोग दिए गए हैं, एलिस यानी कि ए बी सी डी ई एंड एफ, जो कि एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं दायरे में, और उनकी कंडीशन ये है, एलिस डज नॉट सिट नेक्स्ट टू कैरल, यानी कि ए और सी इकट्ठे नहीं आएंगे, बी सिट नेक्स्ट टू सी और डी, एफ टू डी एंड ई सिट नेक्स्ट टू एफ, देन शी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू सी। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है एफ सिट नेक्स्ट टू डी, क्योंकि ये अब एक फिक्स कंडीशन उसने हमें दी है, यानी कि जिसमें दो एलिमेंट्स अटैच हो आ सकते हैं। सेकेंड मोस्ट कंक्रीट कंडीशन, बॉब सिट्स नेक्स्ट टू सी और डी, यानी कि या तो बी सी होगा या बी डी होगा। दी और इन दिस सिंबल का ख्याल रखना है कि और का मतलब ये नहीं है कि अकेला सी होगा या अकेला डी होगा, ये दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जब तक मेंशन ना किया जाए और का मतलब इंक्लूसिव होता है, यानी कि दोनों शामिल होंगे। फिर ए डज नॉट सिट नेक्स्ट टू सी, इसको हम सिंबल लिख सकते हैं कि ए सी नॉट। इफ ई सिट्स नेक्स्ट टू फ्रैंक, देन शी डज नॉट सिट नेक्स्ट टू सी कैन बी सिंबलाइज़ेस के इसको हम इस तरह से सिंबलाइज कर सकते हैं, एफ ई सी नॉट, एफ ई सी तरतीब के साथ, यानी कि ये तीनों इकट्ठे नहीं आ सकते। अब हम डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स हैं 6, तो हमने 3 स्पोक्स ड्रॉ कर दिए। उसके बाद पहली कंडीशन थी एफ और डी की, हमने इसको बेस बना लिया, एफ और डी दोनों अटैच हो गए। देन अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्योंकि बाकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी जिसको हम अटैच करते, इसलिए हमने एफ और डी को ही बेस बना लिया। क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज ए पॉसिबल सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ द 6 पीपल, पॉसिबल अरेंजमेंट बतानी है। अब हम वन बाय वन इसको चेक करते हैं। आप इसमें देखेंगे कि पहली कंडीशन हम लेते हैं एफ और डी, ऑल द आंसर चॉइसेस हैव एफ एंड डी। कौन कौन से ऑप्शन मौजूद हैं जिसमें एफ और डी की कंडीशन वेरीफाई हो सकती है? आप देखें कि इसमें ये एफ और डी साथ साथ बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये ट्रू है। इसमें भी एफ और डी मौजूद हैं, इसमें भी एफ डी तरतीब के साथ है, इसमें भी है, लेकिन इसमें आप ये देखें एफ और डी इकट्ठे नहीं आ रहे, इसलिए ये ऑप्शन तो पॉसिबल ऑप्शन है ही नहीं। फिर आते हैं नेक्स्ट, वी यूज द कंडीशन बी सी और बी डी। अब बी सी और बी डी को चेक करते हैं इसमें से। अब आप देखें कि ए ऑप्शन में देखें कि बी सी, बी और सी इकट्ठे नहीं हैं, बी और सी इकट्ठे नहीं हैं, बी ना डी के साथ है और ना सी के साथ, बी बिल्कुल अलग है, सी और डी के साथ ये नहीं आ रहा, इसका मतलब है ए ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है। अब आप देखते हैं नॉट ए सी की कंडीशन, यानी कि जहां ए और सी इकट्ठे ना आए, इसमें ऑप्शन डी को देखें, इसमें ए और सी इकट्ठे आ रहे हैं, ये ए है और ये सी है, क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है। अगर हम ये कहें कि ये ए है और आखिर के अंदर सी आ रहा है, तो एक्चुअली ये ए के साथ हो गया, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट में स्टार्ट और एंड नहीं होते, तो सर्कल घूमता रहता है, तो इसलिए जब एंड पर सी आ रहा है तो वो पहले वाले के नेक्स्ट हो गया, इसलिए हम ये कहेंगे कि डी ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन है। अब बाकी बचता है सी और बी ऑप्शन, इन दोनों को अब हम चेक करते हैं। चॉइस सी को देखें, इसमें एफ ई सी इकट्ठे नहीं आ सकते, तो सी ऑप्शन में देखते हैं कि ए बी सी, एफ ई सी, सी E और F ये इकट्ठे मौजूद हैं, क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसलिए इसको रिवर्स ऑर्डर में भी देखा जा सकता है, F E C ये
नॉट होना चाहिए, यानी कि ये इस तरह इस तरतीब से नहीं हो सकते, इसलिए हमारा ऑप्शन सी भी रॉन्ग ऑप्शन है। अब बाकी सिर्फ और सिर्फ बी बचता है जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि बी इज सीटेड नेक्स्ट टू एफ, देन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स मस्ट द पीपल बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर, ये ऑप्शन दिए गए और ये हमारे पास कंडीशंस मौजूद हैं। अब इसमें एक नई कंडीशन दी गई है कि बॉब इज सीटिंग नेक्स्ट टू एफ। आप अभी देखेंगे पहले हमारे पास मौजूद था कि एफ इज नेक्स्ट टू टी, यानी कि एफ डी जो हमारी बेस थी, उसके बाद ये नेक्स्ट कंडीशन जो दी गई है कि बॉब एफ के साथ होगा, तो बॉब को हमने एफ के साथ रख दिया। उसके बाद बी सी और बी डी, ये वाली कंडीशन देखेंगे बी सी या बी डी कौन साथ होगा, बी सी होगा या बी डी होगा, तो बी के साथ डी तो इधर मौजूद है, ये तो नहीं हो सकता, इसलिए हमने बी के साथ सी को रख दिया। उसके बाद नॉट ए सी, नॉट ए सी की कंडीशन लगाते हैं तो यहां पर सी के बाद ए नहीं आ सकता और हमारे पास सिर्फ दो बचे हुए हैं ई और ए, तो ए तो यहां आ नहीं सकता, इसलिए हमने यहां पर ई को रख दिया और ए को यहां रख दिया। अब हम बिल्कुल आसानी के साथ चेक कर सकते हैं कि कौन कौन साथ होगा या नहीं। पहले ऑप्शन ए में देखें कि ए और ई ये साथ साथ हैं, इसका मतलब है यही इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम वेरीफाई करें नेक्स्ट ऑप्शंस को तो बी और डी को देखें, बी और डी इकट्ठे नहीं हैं, बी और डी, इसी तरह बी और ई भी इकट्ठे नहीं है, ये बी है और ये ई है, सी और डी इकट्ठे नहीं हैं, सी और एफ भी इकट्ठे नहीं हैं, सिर्फ ई और ए नेक्स्ट टू ईच अदर हैं, इसलिए यही इसका करेक्ट ऑप्शन है।